Morning students, today we are going to discuss the asexual reproduction in mucus, अर्थात म्यूकर में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के बारे में हम बात करेंगे आज। म्यूकर जाइगोमाइसिटिस क्लास का मेंबर है और इसको ब्लैक मोल्ड और ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट है, अर्थात यह जो है केवल डेड डिकिंग ऑर्गेन्स के ऊपर ही, डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मेटल के ऊपर ही सर्वाइव करता है, लिविंग होस्ट पर ये सर्वाइव नहीं करता है। इसके अंदर जो माइसिलियम पाया जाता है वो एसेप्टेट और सिनोसाइटिक होता है और म्यूकर में अलैंगिक जनन जो है सामान्यतया मल्टी न्यूक्लिएट एप्लोनोस्पोर के द्वारा होता है। इसके अलावा इसके अंदर क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा भी अलैंगिक जनन पाया जाता है। एप्लेनोस्पोर की बात करें तो म्यूकर के अंदर सबस्टेटम पर जो है माइसिलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में एस्टेब्लिश हो जाते हैं और सबस्टेटम अच्छी तरह से एस्टेब्लिश होने के बाद ये माइसिलियम जो है एरियल और इरेक्ट ब्रांचेज का निर्माण करता है। उससे एरियल और इरेक्ट ब्रांचेज बनती है और वो ब्रांचेज कहलाती है स्पोरेंजियोफोर। ये इरेक्ट ब्रांचेज है और ये ब्रांचेज जो है अब ये स्पोरेंजियोफोर कहलाती है। अब इस ब्रांचेज की जो थिकनेस है वो रिमेनिंग माइसिलियम से जो है ज़्यादा होती है। अब एरियल ब्रांचेज बनने के बाद या स्पोरेंजियोफोर बनने के बाद अब इस एरियल ब्रांचेज का मैक्सिमम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और फूड मटेरियल जो है इसके टिप पार्ट की ओर चला जाता है, एपेक्स एंड की ओर चला जाता है। और एपेक्स एंड की ओर जाने के बाद अब इसके जो है टिप पार्ट जो है इस तरह से राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और इस राउंडेड स्ट्रक्चर में जो है साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स इसमें जो है डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है कि मैक्सिमम साइटोप्लाज्म जो है पेरीफेरी पर चला जाता है, न्यूक्लियस पेरीफेरी पर चले जाते हैं और यहाँ पाया जाने वाला जो साइटोप्लाज्म है वो स्पोर प्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत जो मैक्सिमम वैक्यूल्स है वो सेंटर में इकट्ठी रहती है और इसमें जो है बहुत थोड़ी मात्रा में जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है और ये साइटोप्लाज्म जो है कॉल्यूमेलोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। अब कॉल्यूमेलोप्लाज्म में जो वैक्यूल्स पाई जाती है वो वैक्यूल्स जो है इकट्ठी होती है और बड़ी वैक्यूल्स का निर्माण करती है और बड़ी वैक्यूल्स इस तरह से अरेंज होती है कि जो है ये सेंट्रल पोर्शन जो है एक डोम सेप्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ये डोम सेप्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया और यह स्ट्रक्चर एक सेप्टा के द्वारा, जैसे क्लेफ्ट कहते हैं, इसके द्वारा स्पोर प्लाज्म से सेपरेट रहती है। अब स्पोर प्लाज्म के अंदर जो न्यूक्लिया है वो न्यूक्लिया इसके अंदर जो है माइटोटिक डिवीजन होते हैं और इसके अंदर न्यूक्लिया की संख्या बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूक्लिया बनने के बाद में अब इस न्यूक्लिया के चारों ओर साइटोप्लाज्म की कवरिंग हो जाती है और कवरिंग होने के बाद में जो है यूनि न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट बन जाते हैं और वो सेगमेंट जो है स्पोर कहलाते हैं। तो इस तरह से जो है इसके अंदर जो स्पोरेंजियम पार्ट जो है जिसके अंदर स्पोर बनने होते हैं, बहुत सारे जो है यूनिन्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट जो स्पोर है वो बन जाते हैं और ये स्पोर पूरी तरह से जो है इस स्पोरेंजियम पार्ट में भर जाते हैं और बहुत सारे स्पोरेंजियम बनने के बाद में अब जो है स्पोरेंजियम वॉल जो है रप्चर्ड हो जाती है और रप्चर्ड होने के बाद में अब जो है ये स्पोर जो है यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। एक जो है यहाँ से पूरी वॉल रप्चर्ड होती है लेकिन कॉलर का पोर्शन जो होता है, कॉल्यूमेला और स्पोरेंजियम जहाँ पर अटैच रहती है उस कॉलर पोर्शन को छोड़ करके बाकी सब जगह से जो है ये पूरी तरह से सेपरेट हो जाती है कॉल्यूमेला से। अब ये स्पोर यहाँ से फ्री हो गए और ये जो स्पोर है वो यूनिसेलुलर है, थिन वॉल्ड है
और स्मूथ है। और ये स्पोर जो है आगे चल करके जर्मिनेट होते हैं और जर्म ट्यूब का निर्माण करते हैं, और ये जर्म ट्यूब जो है बनती है और वापस ये जर्म ट्यूब आगे चल करके एक ब्रांच्ड वेल डेवलप्ड और सिनोसाइटिक माइसिलियम का निर्माण करती है। और इस तरह से ये सिनोसाइटिक माइसिलियम जो आगे चल करके फिर जो है वापस इरेक्ट और एरियल ब्रांचेज स्पोरेंजियोफोर और स्पोरेंजियम का निर्माण करता है। तो इस तरह से म्यूकर के अंदर जो है नॉन मोटाइल मल्टी न्यूक्लियट एप्लेनोस्पोर के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एप्लेनोस्पोर के अलावा म्यूकर के अंदर क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा जर्मिनेशन भी जो है रिप्रोडक्शन होता है, और लेकिन क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है वो सामान्य परिस्थितियों में नहीं पाया जाता है, बल्कि म्यूकर के सिनोसाइटिक माइसीलियम को अगर हम शुगर के न्यूट्रिटी सॉल्यूशन रखें तो इसके अंदर जो सिनोसाइटिक माइसीलियम जो है अनेक जो है राउंडेड कंपार्टमेंट में जो है टूट जाता है और ये टुकड़े जो है क्लेमाइडोस्पोर बनाते हैं। ये क्लेमाइडोस्पोर यहाँ से जो है फ्री होकर के और नए माइसीलियम को रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो है म्यूकर के अंदर क्लेमाइडोस्पोर के द्वारा भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। थैंक यू।